बहुत ज्यादा भीड़ थी तो भाई पीछे से बहुत ही लंबा लाइन है। कितनी घंटी बजा दी आराम से। जो हम चार ही लोग अभी ऊपर आए हैं, सामने देखोगे तो यहाँ पे बैठते हैं। अभी ना व्यू भी मस्त दिखता है। अभी तो जो रेस्टोरेंट से हिल्स व्यू तो इस जो है ना इधर पे जो है खिचड़ी वगैरह तो दिखाते हैं आपको मंदिर भी और है तो इसके कारण जो है झुकझुक जो है मुख्य मंदिर। सो गाइस जो है यहाँ पर हाथ पांव धो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग गाइज। और कैसे हो यार आप सब लोग? बढ़िया हो गए? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ मस्त। तो अभी आज का सीन हमारा ऐसा बना है कहीं मंदिर जाने का। पहले मेरा प्लान था आज जो है ना पूर्णागिरी जाने का, तो किसी कारण से जो है प्लान कैंसिल हो गया। तो अब आज हम जा रहे हैं घोड़ाखाल मंदिर तो घूमने के लिए अभी। तो फिर आज जो है ना मैं मार्केटिंग, तो तुम्हें बताइए सुबह मेरा मार्केटिंग का काम रहता है तो वो मैंने कम्प्लीट कर ही दिया है। तो उसके बाद अब सीधे अब हम जा रहे हैं यहाँ से घोड़ाखाल मंदिर के लिए। तो मोनी भाई जो है यहाँ पर शूज़ पहनने लग गए फिलहाल जो है, तो मैंने तो सब पहन लिए। तो गाइस गाड़ी हमारी ये है सामने जिस पे जा रहे हैं हम, निखिल भैया की कार है। तो ये है अपनी कार, तो चलते हैं यहाँ से। हेलो निखिल भैया, कैसे हो? बढ़िया, तो चलते हैं। चल मुकेश भाई आनंदा की ताल है। तो अब चलते हैं यहाँ से सीधे घोड़ाखाल मंदिर के लिए। सो गाइस ये है ना भीमताल की मार्केट है, तो अब यहाँ से आगे को चले गए हम फिलहाल अभी। जाम जाम जाम। सो गाइस जो है ना अभी हम आ चुके हैं भीमताल से आगे को, अब जो है कुटानी पे पहुंचने वाले हैं। तो अब जो है ना मंदिर करीब यहाँ से 20 किलोमीटर होगा लगभग ज़्यादा। सो ना जो है भवाली से पहले जो है घोड़ाखाल के लिए रास्ता कटा हुआ है, सामने को देखोगे ना तो ये जो है घोड़ाखाल के लिए गया रास्ता, तो हमें इस रास्ते पे चलना है। तो चलते हैं आगे के लिए। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the. So guys, ये ना पहुंच चुके हैं मंदिर पे नीचे यहाँ पार्किंग पे। तो यहाँ पे पहले पार्किंग करते हैं, उसके बाद चलते हैं ऊपर मंदिर पे फिलहाल। तो यहाँ पे देख सकते हो दुकानें सजी हुई हैं सारी यार। चढ़ने लग गए तो थोड़ा ऊपर जाके मंदिर आ गया। तो दिखाते हैं आपको मंदिर भी, और मेरे अगल बगल देखोगे तुम सारी घंटियाँ हैं। तो ये सब लोग चलाते हैं इस मंदिर पर घंटियाँ। तो चलते हैं दिखाते हैं आपको भी अंदर, मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये हैं भाभी और बाकी आगे से जा रही है चाची, और ये पीछे आगे मोहित हो गया, और उससे आगे जो है मुकेश जा रहा है। सो गाइस जो है यहाँ पर हाथ पांव धो लेते हैं, नीचे जो है यहाँ पर सॉक्स खोल दिया हमने इधर पे, तो अब यहाँ पर हाथ पांव धोते हैं चलते हैं। लाइन पे लगे लगे करीब एक घंटा और हो गया, और पीछे तक देखो ना बहुत लंबी लाइन है, और अभी मेरे आगे भी देखोगे ना बहुत लंबी लाइन है आगे तक पूरी। तो भाभी और टाइम लगने वाला, करीब 15-20 मिनट और लगेंगे। वैसे भी जब भी यहाँ पे जो कुछ भी वगैरह होता है, कुछ भी पूजा वूजा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन लग जाती है। तो अब चलते हैं इसके बाद थोड़ा हमारी इस साइड को जाना है हमें, देखोगे आगे तो यहाँ से अंदर को चलेंगे। और बाकी जो है पीछे मोहित भाई मेरे आगे हैं, और चाची भी आगे है, बाकी भाभी और मुकेश पीछे हैं। तो उसके बाद सीधे हम चलते हैं फिर। अभी यहाँ ठंडा भी बहुत होने लग गया, और मौसम भी बारिश आने का होने लग गया फिर। आज पीछे जब बहुत ही लंबा लाइन है यार, किसी ने बहुत लंबा लाइन है। और अभी ना जो है बाकी जो है अभी देखते हैं, निखिल भैया जो थे हमारे साथ आए थे वो नीचे ही है कार पे अभी। तो बाकी जो है हम चार ही लोग अभी ऊपर आए हैं। ये उठी नीरा कितनी घंटी बजा दी गाइस गाइस, ये बहुत सोता है।
बाकी यहाँ पे आना है अभी हमें घूम के। यहाँ पे जो है मेन मंदिर है, इधर पे देखोगे जो है मुख्य मंदिर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुख्य मंदिर है। तो यहाँ से अभी इधर से आगे से घूमते हुए आना है हमें इधर को अभी, मतलब बहुत ऐसे राउंड करके ना मंदिर के पीछे से घूमते हुए आना है। बहुत टाइम हो गया करीब, अब जो है ना हमें 1.5 घंटा हो जाता है फिलहाल यहाँ पे। सोना यहाँ से तब झुकझुक के जाना पड़ता है, तो ये ना जो है मंदिर का जो है ये है, तो इसके कारण जो है झुकझुक के जाना पड़ता है। बाकी देखोगे आगे तक सारे लोग खड़े हो रखे, लाइन लगी हुई है। मेरे आगे से बस एक मोहित है और बाकी आगे तक दिख नहीं रहे ना, क्योंकि सीध में खड़े तो आगे तक कोई दिख नहीं रहा है। भैया भीड़ बहुत ज़्यादा है आज, बहुत ज़्यादा। तो गाइस जो है ना फिलहाल मंदिर में दर्शन करके आ गए फिलहाल, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो अभी मोहित प्रसाद लेने गया तो हम इधर को आ गए। मोहित प्रसाद लेके आता है तो उसके बाद चलते हैं फिर यहाँ से सीधे हम चलेंगे निखिल भाई नीचे कार पे, तो कार पे बैठते फिर देखते हैं। यहाँ पे जो है फिलहाल हमने घंटी बाद दी मुकेश भाई ने, एक घंटी जो है ना यहाँ पे देखो सब ऐसे चढ़ाते रहते हैं, तो इतनी सारी सब ये घंटी ऐसी कारण से हो रही है। भाई को मुकेश नीचे गिर की दोबारा बाज रहा है, आराम से बात है। तो फिर आधी घंटी हमने यहाँ पर बात दी है जो है ना इधर पे जो है खिचड़ी वगैरह डालते हैं, तो हमने पूजा वूजा कर ली तो यहाँ पर डाल खिचड़ी डालने का है। तो यहाँ बैक साइड से तो यहाँ पे वॉशरूम करते हैं इधर वॉशरूम है, और बाकी जो है अब चल रहे हैं मंदिर में, दर्शन वगैरह हमने कर लिए हैं और यहाँ से सीधे से नीचे को, और यहाँ का जो है ना मस्त व्यू आता है। देखोगे सामने देखोगे तो बहुत प्यारा सा व्यू आता है, कोहरा लगने के कारण जो है व्यू नहीं दिख पा रहा है यहाँ पर जो है आज। और बाकी यहाँ का ना जो अल्टीमेट व्यू आता है कहने लायक है, व्यू तो बहुत प्यारा सा व्यू आता है। तो चलते हैं इसके बाद निखिल भैया को देखते हैं नीचे अभी, तो देखते हैं। बहुत टाइम हो गया, वो भी बोर हो रहे होंगे, वहाँ अकेले थे ना तो इसलिए बोर हो रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार गंदा गया कहाँ करके। और बाकी जो है आगे आ गए हैं और बाकी जो है पीछे से आ रहे हैं मुकेश और भाभी और चाची पीछे से हैं, तो बाकी निखिल भाई को ढूंढते हैं हम यहाँ पे। तो हम जो है कि अभी यहाँ पर फाइनली हम आ गए यहाँ पे, देखोगे तो पहुँच चुके हैं यहाँ। गाड़ी तो यहीं पर ही है हमारी जो है अभी फिलहाल, और बाकी निखिल भाई पता नहीं कहाँ है, निखिल भाई को देखते हैं, निखिल भाई तो दिख नहीं रहे हैं, बाकी निखिल भाई को ढूंढना है, बाकी गाड़ी लॉक है अभी ना। सो गाइस देखो ना एकदम बादल से उड़ते हुए एकदम आ रहे, कैसे आ रहे ना देखो, बिल्कुल फॉग सा आ रखा है एकदम जो है ना। फिलहाल जो है अब निकलते हैं यहाँ से, हम लाइन बहुत लंबी थी लेकिन ना 2-3 घंटा वेट करना पड़ा, तो अब जाके जो है दर्शन दर्शन करके निकल रहे हैं हम। और फॉग इतना तगड़ा आ रखा है ना, पूरा फॉगी फॉग है एकदम, बादल से उड़ रहे हैं और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, मज़ा आ रहा है, लग रहा है बहुत ज़्यादा। सामने देखोगे ना तो तुम्हें दिख रहे होगे भीमताल की ताल दिख रही होगी, बाकी ना फॉग सा हो रखा है राइट साइड, तो सब तो ताल तो फिर भी दिख रही हो सेंटर में, देखो बीच पे तो आपको दिख रही होगी सामने। Hold me close till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on से जो है अपने कुछ खा भी नहीं रखा था, तो अभी इधर देखते हैं, इधर रेस्टोरेंट से हिल्स भी हो तो इस पे जो है देखते हैं अंदर, खाते हैं देखते हैं क्या क्या है, तो चलते हैं अंदर। गाइस जिस रेस्टोरेंट में हम बैठे ना उसका पीछे का लुक देखोगे ना बड़ा डेंजर है, यहाँ से ना एकदम खाई सी है नीचे को ना, देखो एकदम ऐसे बना रखा है देखोगे आगे तो भयंकर ही है। और बाकी जो है खाने पीने का इधर पे है सामने देखोगे, तो यहाँ पर बैठते हैं अभी फिलहाल जो है हम वाश बेसिन पर हाथ धोए, तो यहाँ पर हाथ वाथ वगैरह धोते हैं फिर चलते हैं। खाने में जो है हमने लगा मिक्सर दाल है और चावल है, बाकी और रायता पकौड़ी है और चाय है, तो अभी जो ऑर्डर दे रखा फिलहाल जो है वेट कर रहे हैं हम बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है निखिल भाई बैठे हुए हैं इधर पे, मुकेश भाई हो गए और इधर पर जो है मोहित भाई, तो हमारा देखोगे ना इधर पर जो है रायता और पकौड़ी आ गया है फिलहाल।
और पकौड़ी वहाँ देके आनी है चाची को, तो चाची लोग कार पे हैं, तो मोहित देने जा रहे हैं फिलहाल। रायता भी ले जा, चटनी डाल ले जा इसमें, चटनी। चलते हैं यहाँ से अपनी गली को, तो सामने जो है हमारी गली है, तो चलते हैं। चलो